ही गाइज, दिस इज श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम देखने जा रहे हैं लेटर। तो लेटर कैसे लिखते हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़े हो, आप सिक्स में पढ़े हो, सेवन्थ एट में, किसी भी आप क्लास में बीएससी में पढ़ रहे हो, आप बीए में पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी ऑफिशियल स्टेट पे हो, या फिर आप स्टेज पे आ गए हो, यानी कि आप कुछ आपका आपने कोई पद धारण किया हुआ हो, जो भी आप हो, तो आपको लेटर लिखने की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए, यहाँ पे लेटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इनफॉर्मल लेटर होता है, फॉर्मल लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, यानी कि बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम इनफॉर्मल लेटर को देखें। इनफॉर्मल का मतलब यह होता है कि जैसे कि आपने किसी को इनविटेशन कार्ड आप देना चाहते हैं, तो आप दूर हैं तो उन्हें आप लेटर लिखना चाहते हैं, यानी कि अपने मैरिज के लिए दे सकते हैं, या फिर घूमने के लिए दे सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए आप दे सकते हैं। तो उस टाइप को हम लेटर को क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। तो लेटर में सबसे पहले बहुत सारे लोगों के ये सवाल होता है, हम जानिए कैसे कि हम लेटर को लेटर में ऐसा क्या दिया, यानी कि आपको जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में, जो जब हम पेपर में लिखते हैं तो क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन मतलब पेपर में आपको एक क्वेश्चन दिया रहता है, तो उससे आपको देखकर लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक क्वेश्चन है जैसे कि आपने इसमें देखा, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, उस पेपर में, उस क्वेश्चन में आपको एक जगह का नाम दिया होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उस जगह का नाम को पिक करना है और लिखना स्टार्ट करना है वहाँ से। और आपको फिर जब आप उसको पढ़ोगे, आपका जो क्वेश्चन दिया, तो आपको पता होगा किस चीज़ से रिलेटेड है। आप किसी को इन्वाइट कर रहे हो, या आप किसी चीज़ को मतलब कि अपने फ्रेंड को कहीं बुला रहे हो, यानी कि आपके फ्रेंड ने किसी चीज़ को, कोई आपको लेटर भेजा था, आप उसका उत्तर दे रहे हो, तो इस सब टाइप की चीज़ें आपको उस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला काम, तो मैं आपको ये बता देती हूँ सबसे पहले, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ, कि मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लीजिएगा, और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ये बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर आप मुझसे और किस टाइप की वीडियो चाहते हैं, यानी कि किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, तो आप मुझे टॉपिक कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हैं, और बस शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियोज़ को, ताकि आपके दोस्तों को भी अगर अच्छा लगे तो वो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको जगह लिखने का नाम दिया, जैसे कि प्लेस का नाम, जैसे आपके, जैसे मेरे घर का नाम, जैसे मेरे घर का जो पता बोल सकते हैं, कि उस पते को सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी कॉपी के पेज के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। लेफ्ट साइड में आपको मतलब एक एक, जैसे आपको दिया, देखिए यहाँ पे दिखा है 256 ब्लॉक डी मयूर अपार्टमेंट, कॉमा करके देगा, तो जैसे जैसे कॉमा करके देगा आपको उसी को लाइन में लिखना है। अब ऐसा नहीं कि आप एक ही लाइन में लिख दीजिए 256 ब्लॉक डी मयूर अपार्टमेंट लखीमपुर खीरी, लाइन से लिख दीजिए एक ही लाइन में। हालांकि लिखा तो एक ही लाइन में जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं, जब हम लेटर लिखते हैं तो एक उसका तरीका होता है, तो वही तरीका मैं आपको वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो प्लेस का नाम दिया हो, जहाँ पे आपको भेजना हो, तो वहाँ पे उसका सबसे पहले आपको नाम लिख देना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आप देख लें, तो इसमें यहाँ पे देखिए यही दिया है कि आपका कोई फ्रेंड है जिसे आप और आप किसी वैली में रहते हैं, वहाँ पे एक पार्क है, और आप वहाँ पे गए थे, आपको पार्क बहुत अच्छी लगी, आप चाहते हैं कि आपका दोस्त भी वो पार्क देखे, और आप दोनों एक साथ उस जगह को, उसके उस जगह की नेचुरैलिटी को साथ में शेयर करें और अच्छे से चिल करें उसको लेकर। तो यही इसका टॉपिक है। तो आप अगर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉपिक कौन सा है, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यही करते हैं, और दूसरा है कि आप जिस दिन लेटर लिख रहे हैं आप वहाँ पे डेट लिख दीजिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने डेट लिख दिया है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे आप अगर फ्रेंड को भेज रहे हैं तो डियर करके लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड लिख सकते हैं, डियर फ्रेंड लिख सकते हैं, ओनली फ्रेंड लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ डियर लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं उसके लिखने के। यहाँ पे देखिए, मैंने डियर फ्रेंड लिखा है, आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो अभी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे स्टार्ट आप देखिए किसी भी फॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपके दिमाग में बस हो कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप कहीं पे गए थे, आपको वो जगह बहुत अच्छी लगी, वो आपके यहाँ थी, आप अपने दोस्त को वहाँ पे इन्वाइट करना चाहते हैं ताकि वो भी आपके साथ ये जगह को देखें, और उसे भी फीलिंग हो, उस चीज़ की फीलिंग आप दिलाना चाहते हैं अपने दोस्त को, और उसके साथ चिल करना चाहते हैं और मस्ती करना चाहते हैं, तो यही आपको बस सिंपल वर्ड्स में लिख देना है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम इसे लिखें कैसे, और अगर इंग्लिश में आ जाता है बहुत सारे लोगों को, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। इंग्लिश में लिखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सिंपल वर्ड्स, यानी कि जो प्रेजेंट वाले होते हैं ना, एकदम सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, हमने ना इंडिफिनिट में जाइए, ना आप पास्ट, ना इंडिफिनिट में जाइए, ना आप कंटिन्यूस में जाइए, ना परफेक्ट कंटिन्यूस में जाइए, आप उसमें जाइए मत, आप एकदम सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे यूज़ किया, आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू स्पेंड द कमिंग वैकेशन विथ अस इन यूपी। अब देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड तरीका है, आप इसे नॉर्मल तरीके में भी लिख सकते हैं, जैसे आई इन्वाइट यू टू स्पेंड योर कमिंग वैकेशन लिख सकते हैं, या फिर वैकेशन, स्पेंड वैकेशन विथ अस,
अब यूपी लिखो या अनिल को, आपकी मर्जी। तो आप सिंपल वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे इनवाइट कर रहा है, तो आपका दोस्त ये सोचेगा क्यों इनवाइट कर रहा है, तो आपके दिमाग में आपको ये लिखने का हो कि यहाँ पे मैं एक जगह पे गई थी। जैसे यहाँ पे हियर इज़ अ पार्क, ब्यूटीफुल पार्क, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि टूडे या फिर यस्टरडे आई वेंट अ पार्क, दैट पार्क इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड आई वॉन्ट दैट यू ऑल्सो सी दिस पार्क एंड वी इंजॉय इट ईच अदर। सिंपल वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी इंग्लिश सही नहीं लग रही हो तो आप और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम जिसे कुछ भी नहीं आता हो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि आप एकदम सिंपल वर्ड्स में इसे लिख सकते हैं। हालांकि रटने के तो बहुत से तरीके हैं, जो भी लिखा हो लिखा रटा एकदम रट लीजिए तो आपको वो भी समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ एकदम सिंपल वर्ड्स में आप लिखिए, मतलब अपनी मन की बात लिखिए। लेटर का मतलब क्या होता है कि आपकी जो मन की बात है वो आपके दोस्त तक, आपके भाई तक, अपने आपके पिता तक, आपके माता तक पहुंच सके, उसमें आपकी फीलिंग होनी चाहिए। और फीलिंग कब आती है, जब आप उसे खुद से लिखेंगे। तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं, एकदम सिंपल वर्ड्स में लिखिए और प्रॉब्लम भी नहीं होगी आपको। अब बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है ना कि उन्हें ये लगता है कि यार मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, अब मेरे नंबर इसमें कटेंगे ज़रूर। तो आपको एक बात मैं बता दूँ, राइटिंग का ये मतलब नहीं होता है कि आपकी राइटिंग एकदम सजावटी हो, सजावटी नहीं। अगर आपकी राइटिंग एकदम सिंपल भी है ना तो भी वो राइटिंग बहुत अच्छी है। अगर आप सिंपल लिखते हो, बस आपको एक ही काम करना है कि आपको राइटिंग को अपनी साफ़ सुथरी राइटिंग में लिखना है, एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए लास्ट में आप लिख दीजिए, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आपकी राइटिंग ख़राब है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप सिंपल लिख दीजिए काइंडली, मतलब वो आप लास्ट में आप कहना चाहते हैं कि तुम अपने यहाँ आने की तैयारी करो और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, या जो भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट में आप योर सिंसियरली, योर अफेक्शनेटली, योर लविंगली, कुछ भी करके आप साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं अपना नाम लिख के, फिर पत्र को आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एकदम सिंपल तरीका है पत्र को लिखने का। अगर आपको तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए और बताइए कि मुझे कि कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए कि अगर उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो भी वो अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अच्छे नंबर लाने के ये तरीके नहीं है कि आप की राइटिंग बहुत अच्छी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।